मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार की देर शाम संपन्न। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को देर शाम संपन्न हुई। बैठक में नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की अचल मूर्ति पर गहन मंथन किया गया। रामलला की अचल मूर्ति किस पत्थर की बनेगी, इस पर अंतिम निर्णय मूर्ति कला के विशेषज्ञ करेंगे। बैठक के लिए विभिन्न चित्रकारों द्वारा मूर्ति की डिजाइन भी बनाकर भेजी गई थी, जिस पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बैठक के बाद बताया कि निर्माण समिति की बैठक इस बार रामलला की मूर्ति के स्वरूप कितनी दूरी से दर्शन और मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी, इसी पर केंद्रित रही। इस बैठक में रामलला की मूर्ति के स्वरूप से संबंधित सभी आवरण, जैसे आंखों की कोमलता, देवत्व और बाल सुलभता, होठों की मुस्कान, गाल और मस्तक के साथ साथ नाभि की संपूर्ण रचना पर गंभीर चिंतन किया गया। इसी के साथ ही इस आशय पर भी विचार किया गया कि मूर्ति किसी भी दशा में बाल रूप में प्रतीत हो। बता दें कि इस बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी समेत जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती, ट्रस्टी अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र शामिल रहे। बैठक में पहली बार निर्माण समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह भी शामिल हुए। इसके अलावा राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा व सीएजी के अधिकारी आशुतोष शर्मा बैठक में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। था गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का स्वरूप क्या हो, अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे, सब कंप्यूटर पर तुलनात्मक अध्ययन किया। आंखें किसकी अच्छी हैं, जिसमें कोमलता है, देवत्व है, बाल सुलभ है, होठ की मुस्कान किसकी अच्छी है, पांच वर्षीय बालक का पोस्चर कैसा है, नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्से का तुलनात्मक अध्ययन करो, उसका प्रपोर्शन कैसा है। पैरों में खड़ाऊ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कंधे पर धनुष, हाथ में तीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो पुत्र के रूप में पूजा होगी और बालक की होगी। प्रतिमा की ऊंचाई क्या हो, तो विचार आया कि दरवाजे की ऊंचाई क्या है, तो दरवाजे की ऊंचाई 9 फीट 1 इंच है, तो प्रतिमा उस 9 फीट 1 इंच के अंदर अंदर दिखनी चाहिए। प्रतिमा कितनी दूर से देखी जाएगी, तो कम से कम 35 फीट, 35 फीट दूर से देखने पर कितनी ऊंची प्रतिमा का आंख और चरण सब एक दृष्टि में आ जाएगा। अब ये बातें सब ड्राइंग पर लगाकर देखने की हैं, लेकिन ये चर्चाएं हुई, ये चर्चा का सत्र था। इतने लोगों ने केवल मूर्ति पर यहां विचार किया। उड़ीसा से, कर्नाटक से और जो मध्य प्रदेश में भी बताया कि वहाँ भी बहुत बढ़िया पत्थर होता है, हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा, ताकि मारने वाला बताएगा कि हाँ बन सकती है, चार लोग कहेंगे कलर अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, तो बन जाएगा। कहीं भी गफलत में मत रहिए, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है, ये सोसाइटी है, ये समाज है। और एक बार पंचों का निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद हम 135 करोड़ की आलोचनाओं को ऐसे ही पी जाएंगे जैसे आचमन कर लेते हैं। नेपाल की जनता भारत की जनता से अलग नहीं है, वी आर वन। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।